हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी, ठीक है। तो जैसा कि कल मम्मा ने वीडियो में आपको दिखाया था कि हम लोग ग्रॉसरी वगैरह करने गए थे, तो मैंने सोचा कि अब सारा हमारे पास मटेरियल वगैरह जो है उसको रेडी करते हैं और आज हम लोग मैक्रोनी बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रेडी कर ली हैं, ठीक है, जो हमें मैक्रोनी के लिए ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास वेजिटेबल्स, चिकन वगैरह सब यहाँ पर जो है वो मैंने काट लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स मैंने रेडी कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ग्रीन चिलीज मैंने कट कर ली हैं, गाजर कट कर ली है, कैप्सिकम है हमारे पास, दो मैंने कैप्सिकम ली थी, ठीक है, बड़े साइज़ की, और एक गाजर ली थी। यहाँ पे दो ग्रीन चिलीज हैं और ये जो है हमारे पास ये हरा प्याज है, क्योंकि मुझे हरा प्याज बहुत अच्छा लगता है। बाकी इट्स योर चॉइस कि आपको डालनी है नहीं डालनी। ये हमारे पास कैबेज है एंड दिस इज़ ऑल्सो कैबेज। और यहाँ पे जो है मैंने अनियन कट करके रख लिया है, तो हम लोगों ने स्टार्ट करना है। देन अब बारी रह गई है हमारे पास चिकन की। तो अब हमारी बारी रह गई है चिकन की, ठीक है। वेजिटेबल्स हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं, हम हमारे चिकन को धोएंगे। जो चिकन है वो बोनलेस हमने यूज़ करना है, ठीक है, तो हमने फ्राई करना है अनियन के साथ। तो हमने जो है वो चिकन को धोना है अब, ठीक है। चिकन को धोने के बाद जो हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। चिकन हम धो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चिकन हमने धो के छोटा छोटा काट लिया है। अब हम लोग जो है वो रेसिपी शुरू करने लगे हैं। ये अब चिकन को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास अनियन है, वेजिटेबल्स हमारी सारी रेडी हैं। और ये जो है वो हमने नॉन स्टिक की पतीली में तेल गर्म करने रखा हुआ है। तो अब जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अनियन डालना है। अनियन को हम लोग फ्राई करेंगे, देन हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो गाइस वैसे मैं ये फर्स्ट टाइम कुकिंग नहीं कर रही, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। जो ज़्यादातर मेरी मिस्टेक्स मैक्रोनी बनाने में निकलती थी ना, वो ये होती थी कि कभी कभी स्पाइस भी कम हो जाता था, या जो मेरी वेजिटेबल्स थी ना वो बहुत मोटी कट जाती थी। तो इस दफ़ा मैंने वेजिटेबल्स को बहुत ध्यान से कट किया है कि जो मेरी वेजिटेबल्स हैं उन वो अच्छे से पतली पतली छोटी छोटी कटने में, बिकॉज मैक्रोनी में आपको पता है कम छोटी वेजिटेबल्स ज़्यादातर डलती हैं, इतनी मोटी मोटी वेजिटेबल्स नहीं डाली जाती। तो अब जो है वो प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, तो हम लोग इसमें चिकन ऐड करने लगे। यहाँ पे जो हमारा प्याज है वो देखें फ्राई हो चुका है, हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब इसको तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे। अब ये कैमरा जो है वो बार बार धुएं से ब्लर हो जाएगा, तो हम इसको साथ साथ साफ करते रहेंगे। यहाँ पे चिकन भी हमने फ्राई कर लिया है, हम लोग वन में अपनी स्पाइसेज ऐड करेंगे। अब इसमें हम लोग सोया सॉस, विनेगर, नमक, मिर्च, काली मिर्च ये सब ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड करके देन फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या लुक आ रही है। अच्छा, अभी मैंने तीन चीज़ें डाली हैं सिर्फ इसमें, सोया सॉस, विनेगर एंड रेड सॉस, हम जो हमारे पास हॉट सॉस होती है मैक्रोनी या स्पेगेटी यानी कि इटालियन या चाइनीज़ फूड के हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये तीनों मैंने डाली है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, तब तक जो है वो हम लोग साथ बॉयल करने रखें अपनी मैक्रोनी, ताकि दोनों चीज़ हमारी इकट्ठी हो जाए तैयार। अब इसमें हमने नमक, काली मिर्चें और लाल मिर्चें ऐड कर ली हुई हैं, और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया, और ये हमने पानी रख दिया है, और इसके अंदर भी हमने नमक ऐड किया जिसमें मैक्रोनी बॉईल करनी है। तो अब हम लोग दो मिनट तक इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। गाइस वेजिटेबल इसमें ऐड हो चुकी हैं सारी, ठीक है। अब हम लोग इसको एक दो मिनट फ्राई करेंगे, देन हम इसमें केचप ऐड करेंगे। अच्छा, केचप आपकी मर्ज़ी, आप कितनी ऐड करते हैं, क्योंकि मुझे तो विदाउट केचप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ केचप ऐड करने के ऐड करते हैं और उसको माइक्रोवेव में मिक्स कर देते हैं। तो मैं जो हूँ थोड़ा सा साइड निकाल भी लेती हूँ, ताकि एंड पे जब हम लोग सर्विंग करते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकें। तो अब इसको एक दो मिनट फ्राई करेंगे एंड देन हम इसमें केचप ऐड कर देंगे। तो ऐसे हमने केचप ऐड कर ली हुई है, यहाँ पानी भी बॉयल होने वाला है, और हम लोग मैक्रोनी ऐड करेंगे और बॉयल कर लेंगे तब हमारा बैटर भी रेडी हो चुका होगा। बहुत मज़ेदार लग रहा है। गाइस पास्ता बॉईल हो चुका है, उसको हमने स्ट्रेन कर लिया है, थोड़ा सा मैंने बैटर अलग से प्लेट में डाल लिया है, और हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है। अब हम पास्ता इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और हम लोग सर्व करेंगे। गाइस ये हमारा मज़ेदार सी मैक्रोनी रेडी हो गई है। तो अब हम लोग इसको प्लेट्स में सर्व करने लगे हैं और फिर मज़े से खाएंगे। धुआँ फुल निकल रहा है यम्मी सी मैक्रोनी में। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो,
आज हमने मैक्रोनी बनाई थी, अब हम मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, किसी और फन एक्टिविटी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।